हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? ठीक हो सब? बढ़िया, मज़े में? चलो ठीक है। फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज आपका हिंदी का तीसरा चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? तीसरा। क्या नाम है चैप्टर का? केले का छिलका। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि केले के छिलके से क्या हुआ। ठीक है। मनीष स्कूल से घर लौट रहा था, उसे ज़ोर की भूख लगी थी। एक केले वाला ठेले पर केले बेच रहा था। मनीष ने दो केले खरीदे। केले खाकर उसने छिलका रास्ते में ही फेंक दिया। एक बच्चा है मनीष, वो स्कूल से आ रहा था। जैसे आप लोग स्कूल से आते हो फिर आपको कितनी ज़ोर से भूख लगती है ना, तो घर जाके कैसा मन होता है कि फटाफट कुछ खा लें हम जल्दी जल्दी, है ना। जैसे उसमें तो पूरा टाइम खेलने में चला जाता है। इसलिए आप लोगों की तरह से ये भी एक छोटा बच्चा था जो स्कूल से लौट रहा था। उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी पर उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। तभी उसने देखा कि एक ठेले पर एक केले वाला केले बेच रहा था। तो उसने सोचा कि चलो मैं हूँ ना, दो केले खरीद लेता हूँ, फिर केला खा के फिर घर जाके आराम से खाना खा लूँगा। ठीक है। तो उसने क्या किया, केला खाकर उसने छिलके को रास्ते में ही फेंक दिया। ठीक है। जो कि हमें कभी भी रास्ते में नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा हमको क्या करना चाहिए, डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। अगर आपको डस्टबिन नहीं दिखे तो क्या करना चाहिए कि जो भी कचरा है या जो भी चीज़ें ऐसी वेस्ट मटेरियल है उसको हमें अपने पास रख लेना चाहिए और जहाँ डस्टबिन दिखे रास्ते में हमें उसे फेंक देना चाहिए। पर मनीष ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, केला खा के छिलका रास्ते में ही फेंक दिया। कुछ देर बाद उस रास्ते से एक आदमी गुजरा। वह बूढ़ा था, उसका पांव केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसलकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके सिर में चोट आई, उसके घुटने और हाथ में भी चोट आई। लोग उसे उठाकर अस्पताल ले गए। देखो हो गया ना प्रॉब्लम। मनीष ने क्या किया, केला खा के छिलका रास्ते में फेंक दिया। फेंका तो बेचारे एक बड़े अंकल जी थे, बूढ़े अंकल जी थे, वो उस केले के छिलके पर उनका पैर स्लिप हो गया और वो गिर गए और उनके सिर में चोट आई, हाथ पैर में भी चोट आई। तो देखो एक केला छिलका फेंका ना, गलत बात हुई ना, इसलिए अपने को ऐसा नहीं करने का। ठीक है। लोग उसे उठाकर अस्पताल ले गए। वे बूढ़े आदमी मनीष के दादाजी थे। जब मनीष को यह पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ। और देखो क्या हुआ कि जो बूढ़े आदमी थे, वो अंकल जी जो थे, वो कौन थे, मनीष के खुद के ही दादाजी थे, है ना। तो देखो उसने केले का छिलका फेंका तो उसके दादाजी को ही चोट लग गई। और ये सब देखकर क्या हुआ कि मनीष बेचारा बहुत दुखी हो गया। उसे अपनी गलती मालूम हुई। उसने कसम खाई कि अब वह केले के छिलके रास्ते पर कभी नहीं फेंकेगा। अभी देखो मनीष के दादाजी को, उसके खुद के दादाजी को चोट लगी, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो पर उसने क्या कसम खाई, उसने कसम खाई कि अब मैं कभी भी केले के छिलके को रास्ते पर नहीं फेंकूंगा। अभी तो मनीष के दादाजी थे, हो सकता है किसी और को भी चोट लग सकती थी, है ना। तो हमें ऐसे काम कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा डस्टबिन में ही हमको कचरा डालना चाहिए। ठीक है। चलो ओके। अभी मैं आपको इसमें कठिन शब्द जो हैं पाठ में उनके बारे में समझाऊंगी। ठेले वाला जो ठेले पर सामान बेचते हैं, पता है रास्ते में आते हैं, अपने घर सब्जी वाला आता है और दूसरे अन्य सामान बेचते हैं, उसको बोलते हैं ठेला वाला। छिलका, फिर अस्पताल, स्कूल, घुटने और चोट, उसके बाद कसम, फिर फिसल। ठीक है। तो ये तो हो गए कठिन शब्द हमारे जो इस पाठ में आए हैं। तुम आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है और उनको लर्न करना है। उसके बाद विलोम शब्द जो इस पाठ में आए हैं उसी में आपको विलोम शब्द बताती हूँ। छोटा बड़ा, ठीक है, दुख सुख, ऊंचा नीचा, हंसना रोना, गरीब अमीर, मीठा खट्टा। मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। छोटा बड़ा, दुख सुख, ऊंचा नीचा, हंसना रोना, गरीब अमीर, मीठा खट्टा। ठीक है। ये सब आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है, और उसको याद करना। ओके, थैंक यू।